हेलो फैम, आज करीब 20 दिन के लंबी छुट्टी के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी मिनी व्लॉग में। पिछले एक महीने में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत जगह जाना पड़ा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इन एक महीने में मैंने बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। अरे इन्हीं भागा दौड़ी के बीच में आप लोगों से बातचीत ही नहीं हो पाई। अब देखिए ना, वक्त कितना जल्दी बीत जाता है। 1.5 साल से इस जगह में रही हूँ और ये तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज कंस्टेंट नहीं रहती। प्रगति के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है किसी नए जगह जाके नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की। तो बस 3-4 दिन में मैंने सारा सामान पैक किया और निकल पड़ी एक नई खोज में। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हर एक छोटे से छोटे चीजों से बहुत जल्दी कितना अटैच्ड हो जाती हूँ। और इस रूम में तो मैं साल भर से रही हूँ। इसके हर एक एक कोने को मैंने अपने हाथों से सजाया और हॉस्टल में रहने के बाद भी कभी लगा नहीं कि मैं घर से दूर हूँ। वजह है ये, मैंने अपनी बड़ी सी दुनिया को इस छोटे से रूम के इस छोटे से कोने में बसा लिया था। मुझे इतनी खुशी तब नहीं हो रही थी इस दुनिया को बसाने में, जितना दुख मुझे इसे निकालने में हो रहा था। वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का हवा, पानी, पेड़ पौधे, कुछ बेजुबान बच्चे, सबको छोड़ के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, भावनाएं तो होती ही ऐसी छोटी छोटी आंखों में बड़ी बड़ी आंसू देने के लिए। अरे मेरे सामान! तुम 33 ऐसे बड़े बड़े तीनों बैग मिला के 70 kg का सामान हुआ था और 33 की मैं खुद, तो 70 का सामान तो लाने से रही। ऊपर से मुझे जाना था दिल्ली 1 हफ्ते के लिए, तो हमने वेट नाप के सामान को रात भर के लिए मैस में ही छोड़ दिया था। अगले दिन शाम को चौक जाके ऑटो बुलवा लाए और चल दिए सामान का सदगति करने। रास्ते में आ गई बहुत जोरों की बारिश। रांची से सिर्फ मैं अकेली थोड़ी प्यार करती हूँ, वो भी तो मुझे उतना ही चाहता है। अब कुछ ही घंटों की मेहमान हूँ मैं वहाँ, तो बेचारा तो रोएगा ही ना। यकीन मानिए, जब तक सामान पैक हो रहा था तब तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ जाके हुआ और एक लोचा। बहुत मेहनत करने के बाद भी सामान वाला बैग बोरी में अट ही नहीं रहा था। फिर 2 बोरी सिल के 1 बोरी बनाया और 2.5 घंटे के बाद मेरा सामान आखिरकार पैक हो गया। तो बस अब देखना ये है कि मेरा सामान सहित मैं कब और कैसे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। KABERI आजा भेज जा।